Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, सीखेंगे कि किस प्रकार से हम पाइवोट टेबल बना सकते हैं एम एस एक्सेस में. तो एक्सेल में तो आपने बनाया होगा लेकिन एम एस एक्सेस में नहीं बनाया होगा. चलिए सीखते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास देखिए ये दो टेबल हैं, ठीक है. सबसे पहले इन दो टेबल्स को हम कंबाइन करेंगे. कंबाइन कैसे करते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा इसमें. तो सबसे पहले लाइन वाले पे आते हैं. ये देखिए हमारे पास ये है और इसमें रिकॉर्ड कुछ फीड किए गए हैं और इसमें देखिए इसमें भी कुछ रिकॉर्ड फीड किए गए हैं. सब्जेक्ट कोड लिखा गया है और स्टूडेंट का नाम लिखा गया है, आप देख सकते हैं. मैं थोड़ा इसको बोल्ड और जूम करता हूं और ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े. यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट कोड है. तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे. पहले कंबाइन कैसे करते हैं ये मैं पहले के वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ, इसमें भी मैं बताता हूँ कि कैसे कंबाइन करेंगे इसको. हमें जाना है क्रिएट पर और जाना है क्वेरी डिज़ाइन पर. क्लिक करना है और एक एक करके दोनों को इंसर्ट करा देना है यहाँ पर. ओके, अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट कोड को उठा करके इसमें डाल देना है, ठीक है. तो ये देखिए दोनों कंबाइन हो गया डाटा. अब हमें क्या करना है, एक एक करके इंसर्ट कराइए यहाँ पे. जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर दूसरे कॉलम में आइएगा तो हिंदी, फिर तीसरे कॉलम में इंग्लिश, चौथे कॉलम में बायो, पाँचवें में केमिस्ट्री, फिजिक्स, एवरेज, टोटल, जो भी हो, ठीक है, वो सारा आप इंसर्ट करा लीजिए. सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, ये सब हमने इंसर्ट करा लिया है. अब हमको टोटल निकालना है. तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे, डबल जो पॉइंट वाले निशान है, ठीक, एल अल्फाबेटिक बटन के बाद है ये. अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए आप, हिंदी, ठीक है, प्लस इंग्लिश स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखिएगा, ई एन जी एल आई एस एच, प्लस बायोलॉजी बी आई ओ एल ओ जी वाई, प्लस केमिस्ट्री सी एच ई एम आई एस टी आर वाई केमिस्ट्री, प्लस फिजिक्स पी एच वाई एस आई सी एस, ठीक है. इतना करने के बाद यहाँ एवरेज भी निकालना है हमें, तो एवरेज भी निकाल लेते हैं. तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कोलन लगाएंगे और लिखेंगे टोटल टी ओ टी ए एल. अब चूंकि पांच सब्जेक्ट हैं तो अपॉन फाइव कर देंगे और इसको रन करवा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. आई होप कि हो जाएगा. गड़बड़ कहाँ हो रही है, टेबल लायन ऑलरेडी ओपेंड एक्सक्लूसिवली. ओके, लायन टेबल ऑलरेडी ओपेंड, इसको क्लोज करेंगे. यस yes. ठीक है, अभी हम इसको वापस से रन करवाने वाले हैं. तो ये हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है पहले से, ठीक है, और दोनों रिकॉर्ड मौजूद हैं. अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डिज़ाइन पे आना होगा और यहाँ से इसको रन करवाएंगे. हो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे डबल डबल ब्रैकेट आ गया है. अब इसको रन करवाते हैं. तो ये देखिए रन हो चुका है और यहाँ नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये रागिनी गौतम, रागिनी गौतम दो अलग अलग लोग हैं, एक ही लोग नहीं हैं. इनका रोल नंबर से आप पहचान कर सकते हैं, एक ही नाम के कई स्टूडेंट एक क्लास में हो सकते हैं, ठीक है. तो उनकी पहचान रोल नंबर से होती है, ठीक है. तो ये हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, जूम कर दिया है ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े. और इस तरह से हम ये रिकॉर्ड यहाँ पे बना सकते हैं. अब रिकॉर्ड तो आपको बनाना पहले के वीडियोस में मैं सिखाई चुका हूँ. अब हमें सीखना है पिवोट टेबल के बारे में, पिवोट टेबल हम कैसे बनाएँ. तो अब हमें क्या करना है, व्यू पर जाना है और यहाँ आना है पिवोट टेबल व्यू पर. बस हम आ चुके हैं. अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमको ये इस पर क्लिक करना है. जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी. आपको रो एरिया चाहिए या कॉलम एरिया चाहिए आप डिसाइड कर लीजिए और उसके हिसाब से इसको लगा लीजिए. तो हमें चाहिए कॉलम, तो कॉलम एरिया हमने क्लिक कर लिया. अब इसको स्टूडेंट रोल नंबर को यहाँ ले आके छोड़ दीजिए, ये तो ये स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, ठीक है. इसके बाद हिंदी, तो ये हिंदी हो गया, ठीक है. और इसके बाद इंग्लिश, तो ये इंग्लिश हो गई, ठीक है. फिर ये बायोलॉजी, तो बायोलॉजी हो गया, ठीक है. फिर केमिस्ट्री, तो ये हो गया केमिस्ट्री. फिजिक्स, तो ये हो गया फिजिक्स. टोटल, तो ये हो गया टोटल, ठीक है. और फिर यहाँ पे एवरेज भी निकाल लेंगे हम. फिर यहाँ सब्जेक्ट कोड दे देंगे और फिर यहाँ स्टूडेंट का नाम दे देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम ये रिकॉर्ड पूरा
ठीक है, लेके आ सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये रिकॉर्ड लेके हम आ सकते हैं। इसके बाद अब हम चाहे तो पिवोट टेबल भी लगा सकते हैं, इसमें पिवोट चार्ट लगा सकते हैं। तो पिवोट चार्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ से एक एक करके आप लेके आइएगा। ये देखिए यहाँ पे पहला जो आया स्टूडेंट का नाम, अब यहाँ पे दूसरा, ये यहाँ पे रख दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे हिंदी का नंबर और फिर यहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स, ठीक है, और यहाँ बायो का मार्क्स, ठीक है, और फिर केमिस्ट्री, फिर यहाँ फिजिक्स, और फिर यहाँ टोटल, और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो एवरेज सब्जेक्ट कोड जो भी है हमारा यहाँ पे ले आके रख देंगे। बस हमारा चार्ट तैयार है बन करके, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद ज़रूर आएगा वीडियो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस YouTube पर कम ही उपलब्ध हैं। और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट नेम आ गया, ठीक है, अब इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ओके कर दीजिए, बाकी सब गायब हो जाएगा, बाकी रहेगा। तो इस तरीके से हम पाइवोट चार्ट और पाइवोट टेबल बना सकते हैं, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे गए, पाइवोट चार्ट है हमारा, इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसको हटा करके इसके जगह पे दूसरा अगर हम चार्ट लेके आना चाहते हैं, या इसकी सीरीज या कुछ चेंज करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं डेटा को, तो यहाँ से फिल्टर भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कैटेगरी एरिया कर दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट के लिए थी, तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट दोनों एक्सेस पे कैसे बनाया जाता है, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।